किस्म के आमाल। अब इसमें बताया जा रहा है कि सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता तो तीन आमाल के सिवाय इसके तमाम आमाल का सिलसिला मुनक़ते हो जाता, मतलब एंड हो जाता। सदक़तुल जारिया, कोई भी सदक़े जारिया, आप कोई अच्छा काम करके गए, इट्स लाइक ए कंटिन्यूस वो नेकी चलते रहती। इल्म, जिससे नफ़ा उठाना जाए, आप किसी को इल्म सिखाए, दुनियावी दीनी इल्म, और ऐसा ऐसी नेक औलाद जो आपके मरने के बाद दुआ करे, नेक औलाद। तो देखिए, नेक औलाद ऐसा ट्रेजर है, जब आप उसकी अच्छी तालीमात करेंगे, अच्छे बातें सिखा के जाएंगे, वो आपके लिए दुआ। लेकिन सदक़तुल जारिया, कोई भी आप नेक काम कर रहे हैं, हैंड पम्प लगा रहे हैं, मस्जिद में डोनेशंस दे रहे हैं, और आप दीन का इल्म दे रहे हैं, अच्छे बातें सिखा के जा रहे हैं, अच्छा, औलाद की दुआओं से दर्जात की बुलंदी, जो नेक औलाद रहती, जो दुआएं करती, उससे दर्जात बुलंद होते। सैयदना अबू हुरैरा से रिवायत है कि इन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़वजल जन्नत में नेक आदमी का दर्जा बुलंद फरमाता है। तो वो अर्ज़ करता है, ऐ मेरे रब, ये दर्जा मुझे कैसे हासिल हुआ? तो वो अल्लाह सुभान अल्लाह ताला फरमाते हैं, तेरे औलाद तेरे लिए बख्शिश की दुआ मांगने के वजह से। तो औलाद है, जो ग्रैंड चिल्ड्रन भी है, इमीडिएट औलाद भी है, तो दुआ करिए अपने पेरेंट्स के लिए, जो डेथ हो गई जिसकी, वो दुआ कबूल होती और दर्जे बुलंद होते। दुआओं के लिए हरीस होइए, हम सबको जाना है, लेकिन दुआ का तोहफा भेजते जाना है। खबर के अजाब बरहक है, खबर का अजाब जो है बरहक होने वाला है, सही बुखारी की रिवायत है। सैयदना आयशा से रिवायत है कि एक यहूदी औरत इनके पास आई, इसने अजाब खबर का जिक्र किया, तो इन्हें आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा कि अल्लाह आपको अजाब खबर से पनाह में रखे। इस पर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजाब खबर के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अजाब खबर बरहक है। आयशा ने बयान किया कि फिर मैंने कभी भी ऐसे नहीं देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नमाज पढ़ी और इसमें अजाब खबर से पनाह नहीं मांगी। जब भी नमाज पढ़ते और अजाब खबर, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्र, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ला इलाहा इल्ला अंत, और दूसरे भी दुआएं हैं, अगर अजाब खबर सुना दिया जाए तो लोग दफन करना छोड़ देंगे। सैयदना अनस से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएं, अगर मुझे ये डर ना होता कि तुम लोग अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि वो तुम्हें खबर के अजाब सुना दे। जानवरों को अजाब की आवाज़ें आना, सैयदना इब्ने मसूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मुर्दों को इनकी खबरों में अजाब दिया जाता है, यहाँ तक कि यकीनन जानवरों को इसकी आवाज़ सुनाई देती। मतलब जानवर सुन सकते हैं, लेकिन लोग, हम लोग नहीं सुन सकते। खबर के अजाब महसूस कराया गया, और गधे का बिदकना, खबर के अजाब के वजह से क्या है, गधा बिदकने लगा। सैयदना ज़ुबैर बिन साबित से रिवायत है कि इन्होंने कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गधे पर सवार होकर कहीं से गुजर रहे थे, एक बाग था, और वहाँ पर गधा बिदकने लगा, तो फिर आपने वेरीफाई करा, वहाँ पर कुछ लोग थे, तो ये क्यों ऐसे हो रहा है कि क्या बात थी, ये लोग किस पे थे, कौन सा अकीदा था। जब फाइंड आउट किया तो पता चला वो लोग शिर्क करते थे, तो इस वजह से खबर में अजाब हो रहा था। तो देखिए, तौहीद बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जहन्नुम के दरवाज़ा और खौलता पानी, ये सारी गर्मी खबर में महसूस होती। तो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतुल फिरदौस, ये हम दुआ करना चाहिए। सैयदना बरा बिन आज़िब से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत करते हैं कि और इसके लिए आग की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दिया जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसकी हरारत और इसकी गर्मी होती है कि पास आए, फरमाया इस पर इसकी खबर ऐसी हो जाती है, यहाँ तक कि इसके फसलियाँ एक दूसरे में
फंस जाती हैं, गर्मी कंस्ट्रिक्ट हो जाना चीज़ा। जजाकल्लाह खैर।